Assalamu alaikum. Welcome to my channel. This is introduction to computer for beginners. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट डिवाइसेस. आज हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है? इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर, टचपैड, डिजिटाइजर, टच स्क्रीन, लाइट पेन, वेब कैम, डिजिटल कैमरा, बारकोड रीडर, फिंगरप्रिंट रीडर. इनपुट डिवाइसेस हम उनको कहते हैं जिसके थ्रू यूजर्स अपनी डेटा जो है वो कंप्यूटर्स को देता है. कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड इज़ द मेन इनपुट डिवाइस विच लुक्स लाइक अ टाइपराइटर. कीबोर्ड एक मेन इनपुट डिवाइस है जो कि टाइपराइटर की तरह उसका लुक है. द डेटा एंड अदर इंस्ट्रक्शंस कैन बी इनपुट यूजिंग द कीबोर्ड. जितनी भी डेटा है या कोई भी इंस्ट्रक्शन से हम कीबोर्ड के थ्रू वो कंप्यूटर्स को देते हैं. द कीबोर्ड कीज आर डिवाइडेड इनटू फोर ग्रुप्स. कीबोर्ड जो है उनको फोर ग्रुप्स कीबोर्ड की जो कीज़ है उनको फोर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. कीबोर्ड के अंदर अल्फा न्यूमेरिक कीपैड भी है, न्यूमेरिक कीपैड, फंक्शन कीपैड एंड सीरियल फंक्शन कीपैड भी उनमें है. देयर आर 101 कीज़ ऑन स्टैंडर्ड कीबोर्ड. स्टैंडर्ड कीबोर्ड 101 कीज़ होती हैं. बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द कीज़ QWERTY कीबोर्ड्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द कीबोर्ड. आप कीबोर्ड के ऊपर देखेंगे जो टॉप पे इसके अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं वो QWERTYs हैं. दैट इज़ वाई इसको हम कहते हैं QWERTY कीबोर्ड्स. सेकेंड है माउस. माउस क्या है? इट इज़ एन पॉइंटिंग डिवाइस. ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि यूज टू सेलेक्ट डिफरेंट मेन्यू ऑप्शंस को यूज़ कर को सेलेक्ट करने में इस्तेमाल करते हैं उसको. एंड अवेलेबल विंडोज़ ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन. कंप्यूटर स्क्रीन पे जो अवेलेबल विंडोज़ है उसके मेन्यूज़ को हम सेलेक्ट करते हैं माउस के थ्रू. इट इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग ड्यूरिंग द ऑपरेशन एंड प्रोवाइड शॉर्टकट ऑपरेशन फॉर एडिटिंग, सेलेक्टिंग, कटिंग एंड पेस्टिंग. इसमें जो है माउस के थ्रू हम क्लिक भी कर सकते हैं और ड्रैग कर सकते हैं डिफरेंट मेन्यूज को या आइकन्स को एंड ड्यूरिंग ऑपरेशन किसी भी ऑपरेशन के दौरान. एंड ये शॉर्टकट भी प्रोवाइड करता है जिसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं, सेलेक्ट, कट एंड पेस्ट भी कर सकते हैं माउस के थ्रू. ट्रैक बॉल इट इज़ लाइक अपसाइड डाउन माउस. ये एक अपसाइड डाउन माउस की तरह होता है. बॉल इज़ रोल्ड विद द हैंड. इस माउस के अंदर एक बॉल लगा हुआ होता है जो उस बॉल के थ्रू हम हैंड से उसको मूव करते हैं. इट इज़ यूज टू प्ले वीडियो गेम्स बट द पॉपुलरिटी ऑफ द ट्रैक बॉल सेट विद एडवेंट ऑफ द लैपटॉप कंप्यूटर्स. और ये भी जो ट्रैक बॉल है वो हम इस्तेमाल करते हैं वीडियो गेम्स को खेलने के लिए. व्हेन ट्रैवलर्स नीडेड फ्लैट सरफेस ऑन विच द रोल ट्रेडिशनल माउस. ट्रैक बॉल्स आर ऑफन बिल्ट इन पोर्टेबल कंप्यूटर्स बट दे कैन ऑल्सो बी यूज ट्रैकपैड इनपुट डिवाइसेज. ट्रैक बॉल जो है वो पोर्टेबल कंप्यूटर्स में लगे होते हैं, उसमें बिल्ट किए होते हैं एंड सेपरेट इनपुट डिवाइसेज. और हम उसको अलग से सेपरेट इनपुट डिवाइसेज के लिए भी यूज करते हैं. जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर्स पे गेम्स के खेलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन पे एक कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम मूव करने के लिए उनको ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए उस जॉयस्टिक को हम इस्तेमाल करते हैं. जॉयस्टिक इज़ लाइक अ वर्टिकल हैंडल ग्रिप्ड बाय हैंड. एक वर्टिकल हैंडल होता है जो कि हैंड के थ्रू उसको इस्तेमाल किया जाता है. द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंट्रोल्ड बाई दिस हैंडल. जो ऑब्जेक्ट होती है मूवमेंट की उसको हम कंट्रोल करते हैं इस डिवाइस के थ्रू. आप इस पिक्चर्स में भी देख सकते हैं क्लियर उसकी पिक्चर दी गई है जॉयस्टिक की. और लाइट पेन भी जो है इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग पेन लाइक स्ट्रक्चर विद कनेक्शन टू द CPU थ्रू अ वायर. ये भी एक लॉन्ग पेन है जो कनेक्शन विद द CPU थ्रू द वायर. ऐसा इस पेन की जो कनेक्शन है वो CPU के साथ होती है थ्रू अ वायर वायर के थ्रू. ऑन प्लेसिंग बिफोर द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर और उसको इस कंप्यूटर जो स्क्रीन के साथ रखा जाता है इट्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई करना उसके
वेज एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं मशीन के थ्रू आइडेंटिफाई किए जाते हैं। इट यूज्ड इन सेलेक्टिंग मेन्यू ऑप्शंस, और ये मेन्यू ऑप्शंस को सिलेक्ट करने में ही इस्तेमाल किया जाता है। एंड आल्सो आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन विच द पेन इज पॉइंटिंग, और वो किसी इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिससे पेन उसको पॉइंटिंग कर। माइक्रोफोन, इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड वॉइस और स्पीच। माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि किसी वॉइस और स्पीच को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द माइक्रोफोन इज़ यूज मोस्ट ऑफन वेयर प्रेजेंटेशन कैन बेनिफिट फ्राम द नरेशन। अच्छा, माइक्रोफोन्स को हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे प्रेजेंटेशन का फ़ायदा होता है, उस वहाँ पर हम माइक्रोफोन्स को इस्तेमाल करते हैं। और इट इज़ वेरी यूजफुल इन अरेंजिंग ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू जो हम कॉन्फ्रेंस ऑडियो कॉन्फ्रेंस इस्तेमाल अरेंज करते हैं वहाँ पर हम माइक्रोफोन को इस्तेमाल करते हैं। सो वी कैन ऑल्सो मेक टेलीफोन कॉल्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन एंड स्पीकर्स, और हम टेलीफोन कॉल्स भी कर सकते हैं माइक्रोफोन और स्पीकर्स की मदद से। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि टेक्स्ट, ड्राइंग, पिक्चर्स को कन्वर्ट करता है किसी रिकॉग्नाइजेबल डेटा में, कंप्यूटर रिकॉग्नाइजेबल डेटा में, यूजिंग फ्रॉम ऑप्टिकल रिकॉग्निशन सिस्टम। उसमें एक ऑप्टिकल रिकॉग्निशन सिस्टम लगा होता है, उसको इस्तेमाल करता है। दिस सिस्टम यूज लाइट बीम टू स्कैन इनपुट डेटा एंड कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये सिस्टम क्या करता है, लाइट बीम को इस्तेमाल करते हुए इनपुट डेटा को स्कैन करता है एंड उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, विच आर सेंड टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। एंड फिर वो कंप्यूटर को सेंड करता है ताकि वो उसको आगे प्रोसेस कर सके। टच पैड इज़ सिमिलर टू द टच स्क्रीन। टच पैड जो है वो टच स्क्रीन की तरह सिमिलर ही है, बट इट इज़ एक्टिवेटेड डिफरेंटली, बट इसको हम डिफरेंटली एक्टिवेट करते हैं। टच पैड यूज प्रेशर सेंसिटिव मटेरियल। टच पैड क्या करता है, प्रेशर सेंसिटिव मटेरियल को यूज़ करता है टू रिकॉर्ड डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए, वेयर पैड इज टच, अगर वो जहाँ पे पैड जिसको टच किया जाता है। मेनी अप्लायंसेज यूज एट होम, बहुत सारी ऐसी अप्लायंसेज है जो कि होम में इस्तेमाल की जाती है जिसमें ये टच पेड इस्तेमाल होता है, सच एज माइक्रो ओवन, जैसे कि माइक्रोवेव ओवन से, जैसे उसमें टच पेड होता है जो कि टाइम टेम्परेचर को सिलेक्ट करता है। डिजिटाइजर भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि इसकी भी एप्लीकेशन सेम ही है जैसे कि लाइट पेन की है। इंस्टेड ऑफ ड्राइंग ऑन द स्क्रीन पे ड्राइंग करने के बजाय डिजिटाइजर यूजेज सेपरेट पेड। डिजिटाइजर जो है वो सेपरेट पेड इस्तेमाल करता है कॉल्ड अ ग्राफिक टेबलेट, जिसको हम ग्राफिक टेबलेट कहते हैं। ऑन विच द पॉइंटिंग डिवाइस इज मूव्ड, जिस पे पॉइंटिंग डिवाइस जो है वो मूव होता है। By selecting a command with a digitizer, digitizer के through अगर हम किसी को command को select करते हैं, you can draw and erase object and make coordinates on the screen. उसमें हम objects को draw भी करते हैं, erase भी करते हैं and वो make mark coordinates on the screen. Screen पे वो coordinates को mark करता है। Light paints and digitizers are often used in the mechanical and electrical or architectural fields for drawing. लाइट पेन एंड डिजिटाइजर जो है वो मैकेनिकल एंड आर्किटेक्चरल फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है किसी भी ड्राइंग को ड्राइंग करने के लिए। टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है विच इनपुट्स डायरेक्टली फ्रॉम द ह्यूमन फिंगर पॉइंटिंग टू द सिलेक्शन। टच स्क्रीन में हम ह्यूमन फिंगर्स जो है सिलेक्शन के लिए डायरेक्ट उसको पॉइंट करते हैं। व्हेन फिंगर टचेस द स्क्रीन, जब फिंगर जो है टच करती है स्क्रीन पे, रिफ्लेक्टेड लाइट बीम्स कैन पिन पॉइंट द सिलेक्टेड लोकेशन फॉर लाइट बीम्स जो है वो इंटरप्टेड होते हैं एंड उस सिलेक्टेड लोकेशन को पिन पॉइंट कर सकते हैं। द एजेस ऑफ द टच स्क्रीन एमिट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बीम्स ऑफ लाइट दैट क्रिस क्रॉस द स्क्रीन। जो स्क्रीन के जो एजेस होते हैं वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बीम्स जो है वो एमिट करते हैं लाइट्स के जो कि स्क्रीन पे क्रॉस होते हैं।
web camera. A web camera or webcam allows home users to see people as they communicate on the internet. Web camera or usko hum webcam bhi kehte hain, jo kya karta hai, wo multiple users ko allow karta hai ki wo internet ke through ek dusre ke dekh saken, communicate kar saken, as well as allowing the user to edit videos and different users ko allow bhi karta hai ko videos ko edit kare, create movies bana sake and take digital photographs and digital photographs bhi bana sake. Web camera ko hum PC camera bhi yehi keh sakte hain aur ke usko kehte hain. Uska second name PC camera bhi hai. Digital camera is portable input device that takes pictures as input. Digital camera जो है portable input device है जो कि as a pictures को takes pictures as input, pictures को as a input लेता है. Normal camera captures pictures on special coated films. Normal camera जो है pictures जो capture करता है as a coated films pay with, while digital camera captures images electronically without the need of film. अच्छा digital camera जो images को capture करता है वो electronically करता है, बाकी किसी film की ज़रूरत के हिसाब से वो नहीं करता. The camera stores snapshots in its memory. Camera जो है snapshots memory में store करता है. Then the user can copy them into the then the users can copy them onto a computer. उसके बाद user जो है images को copy करके अपनी computer में भी रख सकता है. These images can be edited, printed or copied in a document. ये जो images है इसको edit भी कर सकता है, print भी कर सकते हैं, किसी दूसरे document भी copy कर सकते हैं. Most digital cameras can store hundreds of images at a time. बहुत सारे digital cameras जो है same time में hundreds of images को store करते हैं. Barcode reader also called price scanner or point of sale. Barcode reader को हम price scanner या point of sale scanner कहते हैं, जो कि ये multiple shops पे रखे हुए होते हैं. as input device हम उनको use करते हैं. Used to capture and read information contained in a barcode. Barcode reader क्या करता है, वो information barcode में जो information होती है उसको read करता है and capture करता है. It captures and translates barcode into numbers and letters. फिर उसके बाद वो ट्रांसलेट बारकोड को कैप्चर करके ट्रांसलेट करता है किसी भी नंबर या लेटर्स में. द डेटा मस्ट बी सेंड टू अ कंप्यूटर. वो जो डेटा है कंप्यूटर पर सेंड होती है एंड सॉफ्टवेयर कैन मेक सेंस ऑफ द डेटा. फिर उस डेटा को कोई सॉफ्टवेयर उसको सेंस कर सकता है एंड कैन बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर प्रोसीजर. फिर वो डिवाइस जो है कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाता है किसी भी सीरियल पोर्ट में, सीरियल पोर्ट के थ्रू. Fingerprint reader also called biometrics. Fingerprint reader को हम biometrics भी कहते हैं. इज अ टाइप ऑफ स्कैनर. ये एक टाइप ऑफ स्कैनर है जो कि किसी पर्सन की फिंगरप्रिंट को आइडेंटिफाई करता है किसी सिक्योरिटी पर्पज के लिए. आफ्टर सैम्पल इज टेक्स. सैम्पल लेने के बाद एक्सेस टू अ कंप्यूटर. हम कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं या किसी दूसरे किसी सिस्टम्स को. ग्रांटेड द फिंगरप्रिंट मैचेस द स्टोर्ड सैम्पल. अगर जो स्टोर्ड सैम्पल में अगर वो फिंगरप्रिंट मैचेस करती है उसके बाद ही वो एक्सेस कर सकता है. So this is all about my input devices. Thanks for watching and don't forget to subscribe my channel and please press bell icon for more updates or information.